हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम इस वीडियो में इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पे डिस्कस करेंगे। रिसेंटली आप देख रहे हो कि इंडिया जो है, इंडिया ही नहीं, इनफैक्ट दुनिया के बहुत सारे देश, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या फिर इटली हो, स्पेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, हर कोई जो है COVID-19 पैंडेमिक से पीड़ित है। इनफैक्ट देखोगे मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो उसने क्या है, बहुत सारी कमोडिटी को क्या एक्सपोर्ट बंद कर दिया, ठीक है ना, बैन एक्सपोर्ट, इस वजह से कि सबसे पहले उन्हें अपनी जरूरत है। तो हमारे यहाँ देखोगे रिसेंटली जो आपका मार्च में क्या हुआ कि ये मार्च महीने में, यानी कि 14th मार्च को, ठीक है, 14th मार्च को क्या किया गया कि हैंड सैनिटाइजर, 14th मार्च को हैंड ये आपका जो हैंड सैनिटाइजर है और जो मास्क है, वो मास्क को इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में लाया गया। तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जब कोई भी आइटम लाया जाता है तो उसमें दो चीजें होती है, एक तो जैसे जो पैकेज्ड आइटम है तो उसका प्राइस जो है वो फिक्स करा जाएगा। जैसे कोई मेडिसिन है, मान के चलो हैंड सैनिटाइजर, तो उसको एज ए एक तरह से मेडिसिन के तौर पे यूज कर रहे हो, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज कर रहे हो, तो उस चीज का प्राइस जो है कंट्रोल किया जाएगा कि उससे अधिक प्राइस पे इसे सेल नहीं करा जा सकता है। या फिर कोई फूड आइटम्स वगैरह है, तो मान के चलो कि बहुत सारे फूड आइटम्स वगैरह जो है उसको क्या करा जाएगा कि ये आप उसके अंदर तो नहीं ला सकते हो, ये एग्जैक्ट फिक्स प्राइस नहीं कर सकते हो, लेकिन आप जो है लिमिट उसका कर सकते हो कि आप इसको इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हो। तो ये जो आपका जो है ऑब्वियसली बहुत चर्चा में है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास एक दुनिया का सब कोई फेस कर रहे हैं। तो ये जो है इसके तहत आपका इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका रिपोर्ट राइटिंग में, आर्गुमेंट राइटिंग में या फॉर एंड अगेंस्ट में आपका ये हो सकता है। तो इसके बारे में देखो हमने बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं लिखा है, जो जनरल है कि एज ए आप उसको कुछ जो है बेसिक ऐसे में लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी वही है कि जो मास्क और हैंड सैनिटाइजर है उसे इसको इस एक्ट के तहत लाया गया है। और देखो अभी जो है सारी चीजें जो नॉन इसेंशियल चीजें हैं, सर्विसेज, हम एक दूसरा वीडियो इसेंशियल सर्विसेज पे भी बना देंगे, तो इसेंशियल सर्विसेज पे भी बनाया जाएगा आपको, लेकिन फिलहाल जो है आपने इसे देखना है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि इसके तहत जो ये एक्ट है ये 1955 में बनाया गया था। देखो ये जो है 1955 में, तो इट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक फॉर द कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड ट्रेड एंड कॉमर्स इन सर्टेन कमोडिटी। जो कमोडिटी इसेंशियल आइटम के तहत आएगा तो उस पर जो है कि कंट्रोल, रूल्स, रेगुलेशंस ये करा जाएगा। तो ये है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि देश में जैसे जो लॉकडाउन किया गया 21 डेज के लिए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और देखोगे जो भी मीडिया ब्रीफिंग ऑन रेगुलर बेसिस पे होता रहता है, तो जो इसेंशियल सर्विसेज है उसकी कमी देश में ना हो इस चीज के लिए रेगुलर बेसिस पे देखो कि हमारे पास कितने वेंटिलेटर्स हैं, फिर पीपी यानी जो डॉक्टर्स के इक्विपमेंट्स है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स है, तो कहीं ना कहीं देश में वो कमी हो रही है, तो उसका एक तरह से मिसयूज ना हो, उस चीज पर कंट्रोल किया जाए। अब देखोगे जैसे सैनिटाइजर वगैरह या मास्क वगैरह बहुत ज्यादा कॉस्ट पर लोग बेचे गए, तो यदि ऐसा कोई भी स्टेट किया करता, कोई भी मीन्स शॉपकीपर या फिर कोई भी व्यापारी करता है, चाहे वो फुटकर हो या रिटेल हो, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो इट इज अ पार्स टू कंट्रोल प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कहीं भी तीन जो मेन स्टेज होता है आपका कि प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन के तौर पे आइदर वो जो आपका फूड प्रोडक्ट्स भी हो सकता है या फिर पैकेज्ड प्रोडक्ट, चाहे वो मेडिसिन हो, इक्विपमेंट्स हो, एक्सेट्रा। तो प्रोडक्शन, सप्लाई, अब उसका सप्लाई हो रहा प्रॉपर तरीका, और डिस्ट्रीब्यूशन जो मासेस तक पहुंचना चाहिए वो, ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट so to do so for maintaining or increasing supply of any essential commodity or for securing their equitable distribution and availability at fair prices or for securing any essential commodity for the defense of India or the efficient conduct of military operations, it may by order provide for regulating or prohibiting the production, supply and distribution thereof and trade and commerce therein. देखो ये हो सकता है, जैसे
वॉर के टाइम में हो सकता है, या देश अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जैसे वॉर वगैरह, मान के चलो इंडिया ने वॉर भी फाइट करा है, तो उस टाइम आपको जैसे में जो होगा डिफेंस मिलिट्री के लिए, क्योंकि यदि कंट्री वॉर फेस कर रहा है तो उस समय जो है मिलिट्री के लिए, जो आपके अपने आर्म फोर्सेस के लिए, उसके लिए एसेंशियल आइटम्स जो है वो मैंडेटरी है, तो उस चीज को रेगुलेट वो कर सकती है। या फिर कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आता है, जैसे कुछ दिन पहले देखोगे अनियन प्याज जो था, तो वो आप देखोगे दिसंबर ये तक, दिसंबर जनवरी, तो दिसंबर के महीने में करीब 120 पर केजी हो गया था, तो आप उसका कंट्रोल ये करोगे। अदरवाइज देखो वो क्या है, अनियन, तो अनियन मासेस के लिए बहुत जरूरी है। लॉट ऑफ पीपल हैं जिनके पास सपोज सब्जी वगैरह नहीं खा पाते हैं प्रॉपर तरीका से, तो उनके लिए मान के चलो कि अनियन के साथ भी खा लिए। या फिर जैसे टॉप क्रॉप जो हमारे पास है, टोमेटो पोटैटो अनियन, तो जो टोमेटो पोटैटो अनियन है ये इम्पोर्टेंट है, तो इनका एक तरह से रेगुलेट ये करा जाता है। और बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, जैसे मान के चलो कि कुछ चीजें हैं, लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे, लोग पनीर नहीं खाएंगे, लेकिन दाल रोटी तो खाएंगे, चावल दाल तो खाएंगे, तो इन चीजों को रेगुलेट किया जाता है। एंड ऑर्डर मेड अंडर दिस क्लॉज इन रिलेशन टू फूड ग्रेन्स एडिबल ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल्स may have been regard to the estimated production in the concerned area of such food grains, edible oil seeds and edible oil fix the quantity to be sold by the producer in such area or and may also fix or provide for the fixation of such quantity on a graded basis having regard to the aggregate of the area held by or under the cultivation of the producers. देखो ऐसे सिचुएशन में क्या करा जा सकता है ना, कि मान के चलो कि जैसे देखोगे इंडिया, इंडिया क्या करता है कि इंडिया बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे पास राइस, वीट, राइस जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वीट भी हमारे पास सफिशियंट अमाउंट में है, ठीक है, राइस तो हम इंडिया जो है लार्जेस्ट आपका एक्सपोर्टर है राइस का सपोज, ठीक है, तो हम राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ आइटम है जैसे एडिबल ऑयल है, एडिबल ऑयल पल्सेस एक्सेट्रा हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो जब इंपोर्ट करना पड़ता है तो क्या करा जा सकता है कि इसके अंदर जो है अब एग्रीगेट एरिया हम बढ़ा दिया जाए कि मिनिमम जो है आप इतना दाल के लिए इतने एरिया को रखें, ऑयल सीड्स के लिए रखें या और सारी चीजों के लिए। अब ये है कि इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन अ स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा एंड ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3 may confer power and impose duty upon the central government or the state government or officers and authorities of central government or a state government and may contain directions to any state government or to officers and authorities thereof as to the exercise of any such powers or the discharge of any such duty. So, ye ek tarah se na ki ye duty hai ki state government or central government ka ki is cheez ko ye kare. Ab देखो नॉर्मली क्या होता है, हर टाइम टू टाइम उसमें क्या है कि कुछ जो होते हैं लिमिट लगाया गया, सपोज प्रोडक्ट का आप लिमिट लगा कर रखोगे कि इससे ज्यादा है आप होल्डिंग नहीं कर सकते हो। अब यदि उससे ज्यादा कोई होल्डिंग कर लेता है तो उस पर क्या है कि एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। अब देखो ये आर्गुमेंट राइटिंग में भी आपका ये आ सकता है, तो आर्गुमेंट राइटिंग में ऐसा नहीं है, देखो हमने इसमें क्या किया एज जनरल कि ये चीजें है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, इसके तहत ये करा जा रहा है। लेकिन देखो सम टाइम क्या होता है ना कि एक लिमिट लगा करके सपोज रखा गया कि इसके इससे अधिक आपको नहीं स्टोर करके रखना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो एक होता है कि वो चीजें उस चीज का मिसयूज करके डिफरेंट डिफरेंट जो शॉपकीपर्स हैं और ये उससे अनेक बेनिफिट्स कमाते हैं, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट एक बर्निंग इशू है और ये आपको ये आ सकता है। कहीं भी इसको जो है ब्लैक मार्केटिंग वगैरह आप देखोगे, अभी जैसे मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने वही चीजें बोला कि अजय मास्क वगैरह है सपोज उसको 20 रुपीज लगना चाहिए लेकिन 20 रुपीज के जगह वो 50 रुपीज में बेच रहे हैं, सपोज सैनिटाइजर वगैरह है क्योंकि ये इसेंशियल आइटम इस समय हो गए हैं, तो जो भी इसेंशियल आइटम में है एज आप देखो कंट्री है तो इस कंट्री में लॉट ऑफ पीपल हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ पीपल हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं,
तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो प्राइसेस यदि बढ़ भी जाता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है शायद। लेकिन जो हमारे यहाँ मेजोरिटी क्या है, मासेस वैसे हैं जो फूड टू माउथ है कि उनके पास बहुत कम रिसोर्सेस है, वो डेली अर्न करते हैं, डेली खाते हैं। अब जस्ट इमेजिन करो 120 रुपीज अनियन हो गया, तो देर आर पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं और कुछ इलीट क्लब के मेंबर्स हैं, जैसे कोई गैजेट ऑफिसर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर जो प्राइवेट इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, तो शायद उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है। लेकिन एक आदमी जो 200 रुपया 250 रुपया 300 रुपया कमाता है और उसे फैमिली पालनी पड़ती है, तो ये चीजें बहुत मुश्किल होती है। कुछ और चीजें हैं जैसे ड्रग्स वगैरह, अभी बहुत सारे चीजें हैं कि जो मेडिसिन्स हैं, तो देखोगे कि इसेंशियल जो मेडिसिन्स हैं कुछ चीजें, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके एक्सपोर्ट्स पे कुछ दिनों के लिए बैन लगा दिया कि सबसे पहले हमारी जरूरत पूरी होनी चाहिए। क्योंकि देखो जो API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो वो हम बहुत सारे चाइना से मंगाते हैं। अब इस समय जो है जो इम्पोर्ट डिसरप्शन के कारण हमारे पास ऑलरेडी उस आइटम्स की कमी इन फ्यूचर हो सकती है, अभी तो हमारे पास सफिशियंट अमाउंट में है, लेकिन उस चीज को की कमी महसूस हो सकती है, तो सरकार जो है उसके एक्सपोर्ट पे बैन कर सकती है। या फिर जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, आप देखोगे अभी तो नो डाउट चूंकि बैन के कारण बहुत अधिक गाड़ियां नहीं चल रही है, लेकिन जो जैसे इसेंशियल सर्विसेस वाले हैं, सपोज डॉक्टर हैं तो वो ड्यूटी पे जाएंगे, या फिर पुलिस वाले हैं वो अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं, या फिर जैसे सफाई कर्मचारी हैं और जो है सपोज जो पोर्ट पे लगे हुए हैं, एयरपोर्ट पे लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा में और उन पे वहां हैंडलिंग में, या फिर जो ये इसेंशियल आइटम्स को सप्लाई करने में, जैसे रेलवे अपना है या फिर और सपोज अपना ये एयर ट्रांसपोर्ट है, तो ये सारी चीजें जो लगी हुई हैं, तो उनके लिए चीजें यहाँ रेगुलेट करा जाता है। तो होप यू एंजॉयड दिस सेशन। और एक हम इसेंशियल सर्विसेज जो मैनेजमेंट एक्ट है, तो इसेंशियल सर्विसेज एक्ट पे भी हम बात करेंगे कि कौन कौन सर्विसेज वगैरह ये आते हैं, क्योंकि ये सब जो है वो बर्निंग इशू चल रहे हैं। फिर उसके बाद हम कमिंग डेज में देखेंगे कि अभी कुछ दिनों बाद, क्योंकि अभी चीजें जो है हम पूरी तरह से क्लियर पिक्चर ये नहीं हुआ है, फिर जब क्लियर पिक्चर बहुत सारी चीजें हो जाएगी तो हम इससे जो COVID-19 है उसका हमारे इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा, तो इन सारी चीजों पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ, यदि कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।